तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। और दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग फिर से खेलेंगे जो रोलेट। और आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को जो रोलेट गेम की एकदम ही लेटेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं, जिस ट्रिक का यूज़ करके आप लोग अपने जो रोलेट गेम के अंदर से अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिया है मंकी, पांडा, पिकॉक और स्वेलो। मैंने यहाँ पर ये चारों के चारों लोगों को कवर कर दिए एंड जो मेरे पास थोड़े बहुत बचे हुए थे वो मैंने शार्क के ऊपर कर दिए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, पहले राउंड में अपना मंकी प्लस हो गया, तो मतलब मेरा यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट निकल गया है ना। अब देखो यार, आप में से काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो सोचते होंगे कि यार हमारा ये कैसे बन जाता है, मतलब हम लोग कैसे कमा लेते हैं एंड आप लोग क्यों नहीं कमा पाते हो। देखो भाई, सबसे पहले सिंपल रीज़न ये है कि आप लोग लेटेस्ट ऐप के अंदर नहीं खेलते हो। ठीक है, देखो जिस ऐप के अंदर मैं गेम को प्ले करता हूँ, यह है रम्मी ग्रैंड की एप्लीकेशन, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोग इसके अंदर ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि देखो भाई, अगर आप लोग ये सोच रहे हो इन गेम्स के अंदर कि भाई कोई ट्रिक होती है आप लोग इसका यूज़ करके यहाँ पर लगा के यहाँ से प्रॉफिट कर सकते हो, तो भाई देखो ऐसा तो होता नहीं है। क्योंकि गेम है, देखो गेम में आगे क्या आने वाला है वो किसी को नहीं पता होता। ठीक है, तो अगर हाँ, अगर आप लोग सही ऐप के अंदर गेम को प्ले कर रहे हो तो हो सकता है कि भाई आपका लक अच्छे से चल जाए एंड आप लोग अच्छा खासा बना लो। तो मैंने ये ऐप आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, वहां से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। अभी यहां पे मेरा जो था, ठीक है, 1000 का पिकॉक सॉरी पिजन प्लस हो गया। तो अभी मैं यहाँ से आप लोग देखते जाना, ठीक है, कैसे गेम को प्ले करता हूँ। बस देखो, जो जब भी आप लोग इन गेम्स को प्ले करो ना, सबसे पहले आप लोग बैकअप को मेंटेन करके प्ले करो, कम से कम 5 से 6 लेवल का बैकअप मेंटेन रखो, उसके बाद आप गेम को प्ले करो। ठीक है, तो देखो अभी मैंने यहाँ पर किया है पांडा, पिकॉक, स्वेलो और पिजन, और बाकी जो थे मेरे पास वो मैंने शार्क के ऊपर कर दिए। और अभी देखते हैं यहाँ पर सर्कल किस चीज़ के ऊपर जाके रुकता है। भाई देखो, जो रोलेट गेम ना एकदम वन ऑफ द बेस्ट गेम है, क्योंकि इसके अंदर भाई चार लोगों कवर कर सकते हैं हम लोग, और चारों में से यानी कि हमारे विन करने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो अभी यहाँ पे इसने किया है लॉयन, यानी कि पहला राउंड अपना फेल हो गया। तो कोई बात नहीं भाई, इस बार तो अपना फेल हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं इस बार जो करूँगा ना मेरे भाई, वो थोड़ा सा पिछली बार से मतलब वहीं पर करूँगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दूँगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे करना स्टार्ट करता हूँ। स्वेलो, पिजन, पिकॉक और पांडा सेम ही उठा रहा हूँ मैं, मतलब कोई चेंजेस नहीं, सेम बिल्कुल। तो अभी देखते हैं बाकी क्या करता है ये। ओके, चलो ये घूमना स्टार्ट हो गया। तो किस पे आके रुकेगा ये? हाँ, ये देखो दोस्तों, अपना पिजन फिर से प्लस हो गया। तो मैंने कितने इजीली तरीके के साथ दोस्तों यहाँ से अच्छा खासा बना लिया एंड देखो दोस्तों, आप लोग भी बना सकते हो। बस देखो, आप लोगों के पास अच्छा बैकअप होना चाहिए। और भाई एक देखो, अच्छा बैकअप तो है आपके पास, लेकिन अगर आप लोग उल्टा सीधा करोगे ना भाई, तब भी आप लोग अच्छा खासा नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले आप लोग लेवल से चलना एंड अगर एक माइनस जाता है तो दोबारा उसका डबल, एंड दूसरा जाता है तो तिबारा में उसका तिबल, इस टाइप से। तो अभी देखो मैं फिर से उठा रहा हूँ रैबिट पांडा पिकॉक और स्वेलो। तो मैंने यहाँ पे ये चार लोगों उठा लिए। और देखो, शार्क तो मैं हर बार लेता ही हूँ, क्योंकि शार्क आती है तो भाई अच्छा खासा प्रॉफिट देकर चली जाती है। तो बाकी देखते हैं ये क्या करेगा इस बार। ओके, तो ये देखो भाई, शार्क का मैंने नाम लिया था एंड शार्क की आ गई। बट भले सी भाई देखो, अपना थोड़ा सा माइनस लगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने 100 की ली थी यार। मैं सोच रहा था कि यार कम से कम 400-500 की लूँ, लेकिन 100 की ली थी और शार्क की आ गई, किस्मत देखो। बट प्रॉफिट नहीं आया यहाँ से, मतलब माइनस ही लगा है थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, आज देखेंगे हम लोग यहाँ पर कितना बना पाएंगे। तो अभी मैं चलो यहाँ पर फिर से सेम करूँगा, ठीक है, रैबिट स्वेलो पांडा पिकॉक यहाँ से मैं फिर से सेम ही उठा रहा हूँ दोस्तों, और बाकी देखेंगे ये क्या करने वाला है। ओके, चलो ठीक है, अभी ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। इस बार तो देखो भाई, मैं पहले ही सतर्क हूँ, तो मतलब शार्क पे मैंने अच्छे खासे डाल दिए इस बार। तो ये देखो दोस्तों, अपना यहाँ पे रैबिट प्लस हो गया। देखो यार, 6S से जब बैट पास होती है ना, तो उतना प्रॉफिट नहीं आता जितना कि हमने पिछली बार किया था, क्योंकि थोड़ा बहुत माइनस लग जाता है, क्योंकि 6 से पास हो रही है ना। अगर 8 से पास होएगी तो भाई ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। चलो अभी देखो, नेक्स्ट राउंड बचा है अपने पास, अपना अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ से निकल के आ गया, ऑलमोस्ट 58,000 हो चुके हैं अपने पास। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं उठा रहा हूँ स्वेलो पिकॉक हो गया अपना, और इसके बाद किसके चांस है, ईगल और पांडा, ये उठा रहा हूँ मैं। भाई आप लोग कोई भी लोगो उठा सकते हो, बस आपके पास एक सही एप्लीकेशन होनी चाहिए। मैं देखो इस एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी टाइम से गेम को प्ले करता हुआ आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल से, तो मैं अच्छा खासा बना लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर इसने किया है भाई मंकी, तो यानी कि भाई इस बार थोड़ी सी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई, तो इस बार इसने मंकी कर दिया, तो पहला राउंड अपना फेल हो गया। तो चलो मैं दोबारा में क्या करूँगा दोस्तों, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दूंगा। बाकी मैं 25 के लेके आया था और अभी आप लोग देख सकते हो 54 के हो चुके हैं। तो अगर मैं ना भी करूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो यार ठीक है, यहीं पर मैं वीडियो को
चलो ठीक है, स्टॉप कर देता हूँ, मिलूंगा दूसरी वीडियो में।